नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों काफ़ी टाइम से इस मेरे चैनल पर वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों बता दूँ, लॉकडाउन और कोरोना की वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ बाहर, और इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया तो इन दिनों से, तो उसके लिए रियलमी सॉरी। दोस्तों आज मैं आपको एक फ़िल्म की लोकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जो कि अपने आगरा शहर में शूट हुई थी साल 1969 में। वो कौन सी फिल्म थी और उसकी कौन सी लोकेशन है, सारी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और लोकेशन दिखाने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों बता दूँ, मैं इस चैनल पर फिल्म की लोकेशन नहीं डालना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है वीडियो डालने की, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मेरे इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए मंदिरों की वीडियो लाऊं। लेकिन अभी मेरा बाहर नहीं जा पाना हो रहा है जैसे कि आपको बताया, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों की वीडियो लाऊं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको फिल्म की कुछ लोकेशन की वीडियो दिखाऊंगा इस चैनल पर, थोड़ी बहुत आती रहेंगी आपके लिए, जिससे कि मेरी ऑडियंस है मुझसे जुड़ी रहे और लोगों को ये ना लगे कि भाई मैं मर चुका हूँ या फिर मेरा कोई चैनल मैंने अपनी बंद कर दिया है, तो इसी वजह से वीडियो डाल रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। तो चलिए चलते हैं और आपको फिल्म की लोकेशन के बारे में बताते हैं, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी पुरानी फिल्म की लोकेशन दिखाने वाला हूं, और दोस्तों इस फिल्म का नाम है बड़ी दीदी। दोस्तों यह जो फिल्म है वो साल 1969 में आई थी, जिसके कुछ सीन है जो कि अपने आगरा शहर में शूट किए गए थे फेमस लोकेशन पर। तो उन्हीं लोकेशन को मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं और आपको लोकेशन दिखाते हैं। लोकेशन दिखाने से पहले मैं आपको इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बता देता हूं। दोस्तों इस फिल्म में स्टार कास्ट के तौर पर नज़र आए थे नंदा, जितेंद्र, नाजिर हुसैन और अरुणा ईरानी, महमूद, राज मेहरा, ओम प्रकाश, जीवन और उल्लास। तो इन सारे कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था। और दोस्तों यह फिल्म साल 1969 में आई थी, तो उस समय आगरा शहर कैसा दिखता होगा आप सोच सकते हैं। तो इसी में मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगा फिल्म की, तो अब कैसी नज़र आती है वो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और आपको जो फिल्म की सारी लोकेशन है वो दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुका हूँ इस मूवी की फर्स्ट लोकेशन पर मैं, और पीछे है मेरे सेंट जॉन चौराया। और दोस्तों बताना चाहूँगा, इस मूवी का एक सीन है जो कि उसमें सेंट जॉन्स कॉलेज दिखाया गया है आगरा का, तो अभी मैं आपको पूरा सीन दिखाता हूँ मैच करा करके इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरा ऑन करते हैं और जो भी सीन है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों सामने आप जैसे कि देख रहे हैं, दोस्तों ये है सेंट जॉन चौराया जहाँ से मैं अभी आया था, और रोड का सीन कुछ ऐसा है देख सकते हैं आप। और अभी सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं, और दोस्तों एक सीन मूवी का यहाँ से लिया गया है, यहाँ से सेंट जॉन्स कॉलेज साफ नज़र आता है उस सीन में मूवी के में। तो पास से मैं जो भी सीन है आपको दिखाऊंगा, और सेंट जॉन्स कॉलेज है सामने, यहीं का वो सीन है देख सकते हैं आप। अभी मैं जो दीवार है इसके ऊपर से कैमरा करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस सीन में इस कॉलेज को दिखाया जाता है, इस फर्स्ट सीन में दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो कि बड़ी दीदी मूवी का मूवी थी, तो काफ़ी पुरानी मूवी थी, तो काफ़ी अलग सीन था वो मूवी का। तो ये सीन है दोस्तों कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। इस सीन में दोस्तों देखेंगे आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से मैच करिए, तो ये दीवार नज़र आती है, और जो जो सीन है दोस्तों पीछे की ओर से लिया गया है, इधर की तरफ से कैमरा एंगल होता है और इधर से ये कॉलेज नज़र आता है। तो इस प्रकार का ये सीन था मूवी का, तो स्क्रीन शॉट मैंने लगा दिया, उससे मैच कर सकते हो। तो ये सामने रोड है, सेंट जॉन्स कॉलेज रोड है, सामने देख सकते हैं आप, दिल्ली गेट जाते हैं यहाँ से सीधे, और इसी सीन को यहीं से शूट किया गया था देख सकते हैं आप स्क्रीन शॉट। तो दोस्तों इस मूवी को मैंने फर्स्ट सीन तो आपको दिखा दिया, अब मैं चलता हूँ इस मूवी की अगली लोकेशन पर। तो अगली लोकेशन कहाँ पर है बताता हूँ इस वीडियो में, चलते हैं और दिखाते हैं आपको अगली लोकेशन। दोस्तों इस फिल्म का अगला जो सीन है वो आगरा शहर के सिकंदरा पर शूट किया गया है, और जिसे लोग अकबर टॉम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों यह जो सीन है साल 1969 में शूट हुआ था, उस समय आगरा शहर का जो अकबर टॉम है वो कैसा दिखता होगा और अभी कैसा दिखता है, तो आपको चलिए दिखाते हैं और स्क्रीन शॉट भी दिखाएंगे उसमें मैच करना। सो फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुका हूँ इस फिल्म की अगली लोकेशन पर, और दोस्तों इसके जो सीन है वो आगरा शहर के सिकंदरा में फिल्माए गए हैं, यानी कि अकबर टॉम में। तो इसके दो सीन है वो दिखाऊंगा आपको मैच करके। और दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो सीन है वो साल 1969 के सीन है, और अभी जो चल रहा है दोस्तों जो 2020 चल रहा है, तो सीन कुछ अलग दिखने वाले हैं इस वीडियो में, वीडियो को एंड देखना। और देख सकते हैं अभी मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, तो मेरे बालों का जो हेयर स्टाइल है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, जो हवा चलती है ना गाड़ी पे चलते चलते, तो उससे खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसा हेयर स्टाइल हो जाता है मेरा। तो अभी मैं लोकेशन जो भी सीन है इस मूवी के दिखाता हूँ आपको, और अभी मैं खड़ा हुआ सिकंदरा चौराहे पर, और पीछे है मेरे अकबर टॉम, यहीं पर एक कुछ सीन है जो इस फिल्म में फिल्माए गए हैं। तो दोस्तों अभी आप जो रोड देख रहे हैं दोस्तों, यह रोड आगरा मथुरा रोड है, और एक फिल्म का ये अकबर टॉम के बाहर का गेट का सीन है, तो आप स्क्रीन शॉट में मिला सकते हैं ये सीन यहाँ का है। और इस सीन में दोस्तों एक बोर्ड भी लगा रहता है पीले कलर का, जो कि इसमें लिखा रहता है दिल्ली गेट और सागंज वगैरह का नाम लिखा रहता है, तो उस समय बोर्ड लगा हुआ था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई बोर्ड नहीं है। और पर आप जो जो छोटी सी बिल्डिंग देख रहे हो ना इस सीन में वो नज़र आती है, तो ये आप जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फिल्म का जो सीन है वो इसी रोड पर शूट किया गया था साल 1969 में बड़ी दीदी फिल्म में, तो उस समय ये
यहाँ का सीन कुछ ऐसा था, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड लगा रहता है पीले कलर का फिल्म में जो दिखाया गया था, लेकिन फिलहाल कोई बोर्ड नहीं है। लेकिन जो छोटी सी बिल्डिंग है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है, जिसको आप स्क्रीन शॉट के माध्यम से मैच कर सकते हो। और जो सीन में जो खिड़की है और जो आप गेट देख रहे हैं वो भी नज़र आता है, और दोनों खिड़की भी इस सीन में साफ नज़र आ रही हैं जो कि फिल्म में दिखाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं यहाँ से इस फिल्म की अगली लोकेशन पर। और उस सीन में दोस्तों क्या होता है, वो सीन में आगरा जो अकबर टॉम है वहाँ के बाहर का सीन है, जो कि गेट का सीन नज़र आता है जिसमें अकबर टॉम दिखाया जाता है। तो चलते हैं दिखाते हैं। और दोस्तों ये है सिकंदरा चौराहा, तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे पीछे की तरफ है अकबर टॉम और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इस फिल्म का अगला जो सीन है वो इस गेट से लिया गया है, जो कि अकबर टॉम का गेट है यानी कि सिकंदरे का गेट है, और यहीं पर ये सीन को फिल्माया गया है। और जो भी सीन है दोस्तों अब मैं आपको मैच करा के दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो चलिए दोस्तों बैक कैमरा ऑन करते हैं और जो भी सीन है आपको मैच करा के दिखाते हैं। आइए दोस्तों अब मैं आपको इस फिल्म का लोकेशन का अगला सीन दिखाता हूँ। और ये सिकंदरा चौराहा जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था। और दोस्तों ये सिकंदरा का मेन गेट है, जो कि काफ़ी समय से बंद ही रहता है, लेकिन जब कैलाश मेला होता है तो जब ये गेट खुला रहता है। तो ज़्यादातर समय मैंने इस गेट को बंद ही देखा है। और दोस्तों ये अकबर टॉम का मेन गेट है। और फिल्म का एक सीन दोस्तों बाहर की तरफ से लिया गया है, स्क्रीन शॉट में आप मिला सकते हैं। और इस सीन में ये गेट ऐसे ही नज़र आता है, और जो आप अकबर टॉम देख रहे हैं वो भी ऐसा ही नज़र आता है। जब ये फिल्म शुरू हुई थी तो अकबर टॉम वैसा ही था, और आज भी ऐसा ही है जैसे आप स्क्रीन शॉट में देख पा रहे होंगे। और ये इसका मेन गेट है। और दोस्तों इसका एक जो गेट है वो आगे की तरफ है, यहाँ से आप देखना चाहो तो देख लेना। तो वहाँ से लोग ज़्यादातर जाते हैं, एंट्री करते हैं। और ये मेन गेट है यहाँ का, जहाँ से अकबर टॉम साफ नज़र आता है, देख सकते हैं आप। मैंने जो गेट है उसकी जाली के अंदर कैमरा घुसोड़ दिया है, तो यहाँ का सीन देख लीजिए आप, काफ़ी शानदार लग रहा है। और अकबर टॉम भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, जैसा फिल्म में दिखाया गया था साल 1969 में, वैसा ही अभी भी यहाँ का सीन है। तो काफ़ी सारा पेड़ पौधे गार्डन है, काफ़ी सारी हरियाली है पुराने टाइम की तरह से ही, तो काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन हो रखा है ये अभी। दोस्तों अगर आप अकबर टॉम की फुल डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के वीडियो के सेक्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। और दोस्तों वह वीडियो मैंने गाइड के साथ मिलकर बनाई थी, तो गाइड ने हमें काफ़ी सारी जानकारी दी थी इसके बारे में। और दोस्तों बता दूँ उस वीडियो पर अभी काफ़ी सारे व्यूज़ आ चुके हैं, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर देख लेना, मिल जाएगी आपको वीडियो। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा आप सभी से, मैं दोस्तों मैं इस चैनल पर फिल्म से ज़्यादा मैं आपको मंदिरों की वीडियो बनाकर दिखाऊंगा, क्योंकि हमारी ऑडियंस को मंदिरों की वीडियो ज़्यादातर पसंद है। तो फिल्म की थोड़ी बहुत आपको वीडियो आएंगी, जिससे कि मेरी ऑडियंस मुझसे जुड़ी रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ का सीन देखने के बाद अब हम चलते हैं इस फिल्म की अगली और लास्ट लोकेशन पर। दोस्तों इस फिल्म की लास्ट लोकेशन जो है वो है अपने आगरा शहर के आगरा किला की। तो अभी आप सामने देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति, जो कि ठीक आगरा किले के सामने की तरफ बनी हुई है। और दोस्तों बता दूं इसका कलर जो अभी ब्लैक है, लेकिन अभी आप वर्तमान में देखोगे 2021 में तो इसका कलर अभी येलो कलर का हो चुका है, गोल्ड कलर का। तो बता दूं दोस्तों यह जो वीडियो तकरीबन एक साल से ज़्यादा पुरानी वीडियो है, जिसको मैंने अपलोड अब किया है लॉकडाउन लगने के बाद। तो अभी आगरा कॉलेज पहले खुला हुआ था, देख सकते हैं आप। तो यहाँ का सीन कुछ ऐसा था जब लॉकडाउन लगा था शुरुआत में, उससे पहले की ये वीडियो है। तो देख लीजिए दोस्तों किले का सीन कुछ ऐसा है। और फिल्म का एक सीन दोस्तों यहाँ पर भी शूट किया गया है। इस सीन में आप आगरा किले का जो गेट है वो दिखाई देता है, जिससे लोग बाहर आ जा रहे हैं। तो ये आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं। और स्क्रीन शॉट में आपको इस सीन मिला लेना, जो कि आगरा किले में ही शूट किया गया है बाहर से ही। तो ये सीन है फिल्म का, जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन शॉट के माध्यम से। और ये था यहाँ का सीन। और दोस्तों इसके और भी कई सारे सीन हैं जो कि आगरा शहर की अलग अलग जगहों पर शूट किए गए हैं, जैसे कि फतेहपुर सीकरी और ताजमहल। तो दो जगह मैं आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन जो भी जगह थी मैंने आपको लाइव दिखाई चुका हूँ इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपका अच्छा हो तो। और मैं आपको जल्दी मिलूँगा किसी नई वीडियो।